हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। रात के बज रहे थे 2 और हम स्टेशन पहुंच गए थे। रात के बज रहे थे 2 और स्टेशन में हम उतर गए थे, ये देखिए। और हम थोड़ी देर बाहर ही बैठने वाले थे क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। अभी बच्चे के साथ ज़्यादा रात को निकलना अच्छा नहीं है, इसलिए हम स्टेशन में तो उतर गए थे। देखिए सभी सो रहे स्टेशन में और हम थोड़ा सा उधर ही बैठेंगे। स्टेशन में ही बैठे थे, थोड़ी देर इंतज़ार किए, इसके बाद ही हम वहाँ से निकले थे। ये देखिए पूरा स्टेशन खाली लग रहा है, नहीं तो जबलपुर का स्टेशन तो पूरा भरा रहता है। ये देखिए पूरा स्टेशन खाली है, हम थोड़ा सा बैठे थे। ये देखिए मेरा बेटा जा रहा है, उसको मम्मा जल्दी चलो ठंडी लग रही है, कहीं बैठना था हमको। मतलब ये वेटिंग हॉल है वहाँ पर स्टेशन में, हम वेटिंग हॉल में बैठे थे, चाय वाय पी रात को 2 बजे ही, क्योंकि रात को 2 बजे ओला भी बुक कर रहे थे तो मिला नहीं। ओला वाले भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे नेटवर्क की वजह से क्या होगा, बट मिले नहीं, इसलिए फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ 1 घंटे तक वेटिंग हॉल में ही। इसके बाद हमें ये ओला मिल गई थी, लेकिन हम भी थोड़ी देर, हम लोग भी थोड़ा लेट ही कर रहे थे क्योंकि मॉर्निंग के 4 साढ़े 4 बजे तक निकलते तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात को निकलना अच्छा नहीं है अपनी सेफ्टी। हम वहाँ पे बैठ के चाय वाय पिए, थोड़ी सी बैठे रहे क्योंकि ठंडा भी ज़्यादा हो रहा था और रात भी थी, इसलिए हम वहीं बैठ के वेटिंग हॉल में ही इंतज़ार करते रहे और थोड़ा सा बैठे रहे। फिर इसके बाद हम चल दिए थे, हमने ओला बुक किया, तब तक वो आ गया था ओला वाला। ये देखिए हमारी ओला आ गई थी, हम बाहर निकल गए थे। देखिए बाहर भी एकदम सुनसानी है, स्टेशन में भी काउंट 4 बजे दिखता है। देखिए ओला आ गई थी, ये देखिए ओला खड़ी है, वो आगे तक नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने बोला मुझे पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ओला आ गई थी और हम निकल गए थे अपने ससुराल वाले घर के लिए, ससुराल के लिए निकल गए थे और आके फिर हम सो गए थे। ये देखिए थोड़ी सी क्लिप मैंने मॉर्निंग में ऐसे शूट किया था, मतलब वीडियो बना लिया था। इसके बाद मैं खुद नहा के सो गई थी और ये रहा रात का, हम पार्टी में जा रहे थे। ये देखिए मेरी ये दोनों जेठानी हैं जिसकी मैं कंघी कर रही हूँ, मेरी बड़ी जेठानी है, और ये इधर जो है ये मेरी बीच वाली जेठानी है, मैं तो सबसे छोटी हूँ घर की। ये देखिए हम पार्टी में जा रहे थे, शादी में पार्टी में जाने के लिए हम रेडी हो रहे थे। हमने सबने जूड़ा बनाया था, मेरी जेठानी ने बोला बड़ी वाली ने मुझे भी जूड़ा बना के दो, तो मैं उनका जूड़ा बना रही थी। और उधर मेरी सासू माँ लेटी होंगी क्योंकि उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो लेटी थी। फिर हम रेडी हो गए थे इसलिए मैं सबको दिखा रही थी, सब मेरे को हंस रहे थे कि वीडियो बना रही है ऐसा है। ये देखिए हम सब रेडी हो गए थे, मेरे हस्बैंड ड्राइवर साहब, ये मेरा भाई है जो बैठा है शूज़ पहन रहा है, ये मेरी दोनों भतीजियां हैं, ये देखिए मेरे हस्बैंड भी इधर मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए मैं उनको चिढ़ा रही थी कि ये मेरे को वीडियो नहीं बनाने देते, तो मेरी जेठानियाँ बोल रही थी हम सपोर्ट करेंगे आप वीडियो बनाओ, बट मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार वीडियो इधर बना रही हूँ इसलिए। ये देखिए फिर हम निकल गए पार्टी में जाने के लिए। देखिए पार्टी में हम पहुँच गए, पार्टी क्या शादी में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शादी थी तो हम वहाँ गए थे। ये देखिए हम बारात में पहुँच गए, खूब फुल इन्जॉय किया क्योंकि 8 महीने घर के अंदर रह के हमें वहाँ, तो आपको पता ही है शिलोंग में कुछ नहीं, सिर्फ ठंडी ही दिखती है, ठंडा ही रहना है वहाँ पे, बाहर कुछ भी इन्जॉय करने को मिलता नहीं है। ये देखिए बारात आ रही थी, मतलब शादी घर में ही रुकी थी, का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोग का एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरे ससुराल का होम टूर देखना है, क्या देखना है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। ये देखिए फिर हम पार्टी में पहुँच गए थे, मैं तो सर में पल्लू थोड़ा से रखती हूँ, मुझे भी कोई बोलता नहीं है, तो मेरी आदत हो चुकी है कि मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए मेरे पुलिस से आदत है सर में पल्लू रखने का। तुम्हें कैसे लग रही मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरे पूरे दिनों के सामने और मैं कैसी लग रही मुझे बताइएगा। फिर
हम अंदर आ गए थे। ये देखिए पूरा शादी घर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। ये देखिए हम आ गए थे, फिर हमने थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट बनाया था, फिर हमने फ़ोटो वोटो खिंचाया, फिर खाना खाया। ये देखिए खाना तो बाद में खाया था, पहले फ़ोटो खिंचाया, क्योंकि एक बार हमें हस्बैंड हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, फिर मेरे भाई मेरे ससुर जी और मेरे भतीजों को लेके आए, क्योंकि गाड़ी में तो बनना नहीं, हम तीनों बैठ गए फिर, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड दो ट्रिप छोड़े, एक बार लेके गए फिर लेके आए, यही चल रहा था। ये देखिए हम बैठ गए थे, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाए, और जो हमारे ससुराल की तरफ से हैं जो रहते हैं वो मिले, तो थोड़ा उनसे बातें होते की, हम थोड़ा बैठे थे। ये देखिए ये अभी दुल्हन आई थी, ये बिहारी शादी है, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हमारे एमपी में दूसरी तरह का शादी होती है, ये बिहारी स्टाइल शादी है, तो दुल्हन भी थोड़ी सी आई थी। तो ये मेरे दोनों भतीजे खड़ी हैं, मैं वीडियो बना रही थी तो हंस रही थी, अरे देखिए मेरी जेठानियाँ भी हंसने लग गई, मैं वीडियो बना रही थी तो बोले मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं फ़ोटो खींच रही, तो मैं बोली नहीं नहीं खींचो खींचो। ये देखिए ये, और ये है मेरा भाई, ये खड़ा है इधर मेरा भाई है। अभी मैं मायके जाऊंगी तो आपको मायके का ब्लॉग देखने को मिलेगा। ये देखिए हम इधर खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे, सभी हम ही कोई देख रहे थे कि फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मैं बोली सभी तो खिंचा रहे हैं, हम भी खिंचा लेते हैं और क्या। फ़ोटो वोटो खिंचा लिए, सब चीज़ कर लिया, जितना फ़ोटो खींचना था जिससे मिलना था, मैं भी क्योंकि इधर बहुत कम रहती हूँ, तो भी मेरे इधर जो ससुराल वाले हैं उन्होंने, बहुत लोगों ने तो मुझे देखा भी नहीं, ये सब बोल रही है, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोल रही है आपकी वाइफ है, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि हम 6 महीने साल भर में छुट्टी आते हैं तो हमें कोई देखता नहीं है, ऐसे शादी पार्टी में मिलते हैं कभी कभी, इसलिए। ये देखिए अभी हम खाना इंजॉय कर रहे थे, सभी लोग खड़े थे, हम मेरा भाई मेरी दोनों जेठानियाँ, मेरी भतीजी, मेरा बेटा, और ये जो छोटा बेटा दिख रहा है ये मेरी बड़ी वाली जेठानी के भाई का लड़का है, वो उनके पास ही रह के पढ़ाई करता है। मेरे ससुर जी खाना खा के ये इधर उधर हो गए थे, क्योंकि मैं सर ढकती हूँ इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है, हमने खाना वाना खा लिया, फिर हमने बोला दूल्हे दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं हम, क्योंकि बराती की तरफ से। ये देखिए हमने फ़ोटो वोटो खिंचा लिया, अभी हमारा घर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि रात को बज रहे थे, हाँ डेढ़ बज रहे थे, टाइम हो गया था घर जाने का, अभी हम घर जा रहे थे, हम अंदर से बाहर आ गए थे, हस्बैंड गाड़ी लेके आ रहे थे, हम बाहर खड़े हुए थे रोड में इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए। ये देखिए हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए, अब हम घर के लिए निकल गए हैं, और हमने कुछ फ़ोटो खिंचाई है, फ़ोटो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिएगा, अभी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम कैसे लग रहे, ये भी हमारी फैमिली कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।